ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 8 जनवरी 2021, फ्राइडे है, सुबह के 8:42 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल वीकली एक्सपायरी का दिन था। एक चॉपीनेस मार्केट में देखने को मिला, हालांकि कल भी नया रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने क्रिएट किया, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया ऊपरी लेवल्स के ऊपर। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे और इंट्राडे लेवल्स आज क्या हो सकती है निफ्टी में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 7 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,200 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,120। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ था, सेकेंड टारगेट के भी ऊपर ओपन हुआ, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। जैसे ही निफ्टी इंडेक्स नीचे आया और ये जो मूविंग एवरेजेस है उसको सपोर्ट टेस्ट करके फिर से जब बाउंस बैक हुआ, तब तो ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक होने के बाद एग्जैक्ट इसमें रेजिस्टेंस था वो 14,213, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट है, उसी के पास एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। एक डबल टॉप काइंड पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला, ये देखिए ऐसे, और जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक कर दिया टुवर्ड साउथ की तरफ, निफ्टी इंडेक्स और भी फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ आते हुए ब्रेकडाउन लेवल के पास आकर सपोर्ट टेस्ट करके क्लोज हुआ। तो ये कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते हैं, अराउंड 7 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 5,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाज़ार में शानदार तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 326 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो वहाँ पर ज़बरदस्त मार्केट में उछाल देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे खासे पॉजिटिव मूड के साथ कल ट्रेड करते नजर आए। एशियाई बाज़ार देखें तो एसजीएक्स निफ्टी फिर से एक बार 75 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। निक्केई भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। लगभग सभी एशियाई बाज़ार इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को भी देखें तो अभी 115 ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है। 115 पॉइंट की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है डाउ फ्यूचर में, तो ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। लेकिन चार्ट क्या कहता है, टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, लास्ट 2 डेज से देख रहे हैं गैप अप ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपरी लेवल पे, और नीचे ओपन के नीचे आकर क्लोज हो रहा है। लेकिन इले 14,100 के नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो 14,100 के पास सपोर्ट है और ये अगर ब्रेक होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज निफ्टी में ऊपरी लेवल पे 14,350 के आसपास रेजिस्टेंस होगा, जो कि 123.6% का ये जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करके प्रोजेक्ट किया है लेवल्स, इसके मुताबिक 14,350 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये डेली चार्ट है, निफ्टी एक्सट्रीम बुलिश है, ओवरबॉट जोन में आरएसआई इस समय है, तो हर एक नए लेवल्स के ऊपर हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ रही है। 2 आवरली चार्ट पर चलते हैं। एक यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, उसको हम ट्रेस करेंगे। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को हम देखें तो आप देख सकते हैं ये जो हाई है इसके ऊपर नेक्स्ट हाई बना है, स्विंग हाई, फिर इसके ऊपर नेक्स्ट स्विंग हाई बना है। लेकिन अगर आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर सीधे नीचे, यहाँ पर भी हायर हाइज बन रहे हैं, यहाँ पर भी हायर हाइज बन रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट हाई बना है प्राइस एक्शन में,
तभी आरएसआई ने यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट किया। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है आरएसआई डाइवर्जेंस का। अगर निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन होता है आज भी और सस्टेन कर पाता है आर्ली चार्ट में ये जो कल का हाई स्विंग आया है उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज ये आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है मतलब यहाँ से ऊपर होने के बाद फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ ही आएगा। ये जस्ट सिग्नल है अगर प्राइस एक्शन ये जो लो ब्रेक करेगा, कल का लो ब्रेक करेगा और फिर इसके नीचे आएगा तभी हमें यहाँ से करेक्शन और गहराता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज निफ्टी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो यहाँ से निफ्टी में नए लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलते हैं निफ्टी के आर्ली चार्ट में, आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए। लेकिन इसका नेक लाइन जो है कल हमने ब्रेकडाउन लेवल जहाँ पर मार्क किया था उसी के पास आके इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, तो नेक लाइन भी उसी लेवल के पास बन रहा है। तो नेक लाइन जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो आज के लिए भी हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 14,120, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 14,130, यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,088, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये जो पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा स्विंग हाई बनाया है आर्ली चार्ट में। तो स्विंग हाई के ऊपर पिवट पॉइंट का लेवल है 14,221। तो इस लेवल को अगर कम्प्लीटली ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,241, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,260, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।